नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रखा है सुबह का समय और 7 बजे के आसपास का टाइम है। मैं छत पर आई हूँ पेड़ों में पानी देने के लिए, क्योंकि इनकी तो अभी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन अभी इनको डॉक्टर ने रेस्ट के लिए ही बोला है। कभी कभी पेन हो जाता है ना पैर के अंदर, तो ज़्यादा चलने फिरने के लिए मना करा है। वैसे वो मानते नहीं हैं, ऊपर नीचे होते ही रहते हैं छत पर ना, कभी ऊपर आ जाते हैं कभी नीचे आ जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए तो उसी वजह से इनको थोड़ा दर्द भी है, और वो देखो हैप्पी बैठा हुआ है। तो ये काम इनका है पेड़ों में पानी देने का ना, लेकिन अभी क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो पानी मुझे ही देना पड़ रहा है। और आज तो हमारे घर में श्राद्ध भी है मेरे ससुर जी का, तो खाना भी बनाना है, तो आज तो मुझे बहुत सारा काम है। और बस क्या ही बोलूँ मैं ना, तो वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ तो बोलो, क्या कुछ तो बोलो। क्या बोलूं, आज मेरी शोना स्कूल नहीं गई। ये नहीं, कुछ और एक्शन करो। ले पकड़। नीचे कैसे आऊं, नीचे क्यों आना है? पकड़। गिरा मत दियो, रख दे यहीं पर, डाल दे सारे में, फैला दे। बस आ जा नीचे तर के। हैप्पी को भी कुछ आया है, हैप्पी भी खड़ा हो गया अब करने के लिए। ठहरो हैप्पी, ठहरो 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 ठहरो। अभी आ रही ना, वहीं पर है, अभी उतारूंगी तेरे को। पहले हैप्पी को घुमा दूं। हैप्पी इधर, ज्यादा मत फैला, बस वहीं पे रख दे। कितना फ्रेश लग रहा है आज। ये जो बाबल के ऊपर ही आती है क्या? कंगारू। कंगारू रखा है पेड़ में, फिर से दो। हाँ अभी दिखाती हूँ। उधर पक्षी खा रहे हैं दाना, ये देखो कबूतर सारे दाना खा रहे हैं। और यहाँ देखो ये वाला फूल तो आपने अक्सर देखा ही है ना, ये देखो हार सिंगार का, दिख रहा है आपको? पकड़ लेना शोरा, वाइपर पकड़ी। एक मिनट, ये कौन सा फूल है? एक बार वाइपर पकड़ ली, ये हार सिंगार, वो देखो। हार, मेरा हार टूट गया, यहाँ से छूट जाओ। क्या कह रहे हैं? बदतमीज मेरे पास आ गया, जैसे मैंने बनाना स्टार्ट करा। सोना आगे से हटो। सोना जैसी बुद्धि आजकल, ज्यादा लंबी सी लग रही है। दीदी के साथ खेल ले, ले ले दिया। आओ भाई टाइसन, हेलो टाइसन। ये देखो मैंने बनाए थे आलू टमाटर और छोले। अभी गूंथा भटूरों का आटा, मैदा, ये हलवा, पूरी बनाई थी, दो ही पूरी बची है। हम लोग खाना खा चुके,
अब मैं बना रही हूँ लंच। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है, खीर थी और जी ये है रायता। ये सब आज खाने में बनाया था, जब मैंने थाली निकाली तो बनाना ही भूल गई। अब बनाऊंगी भटूरे, क्योंकि नैना को भटूरे खाने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज मैंने कितना सारा खाना बनाया था, और इस चक्कर में मैं कैमरा लगाना ही भूल गई, क्योंकि जल्दी हो रही थी मुझे खाना बनाने की। एक डेढ़ घंटा तो मुझे छत पर ही लग गया था पेड़ों में पानी देने में, तो मैं 8:30 बजे के आसपास तो नीचे उतर के आई हूँ। फिर झाड़ू पोछा करा, नहाए धोए और फिर खाना बनाने की तैयारी करी। तो इतना करते करते अभी टाइम हो गया था कितना, 11:30 बजे के आसपास हमारी पूजा हुई है। वैसे तो थोड़ा देर से ही था आज ना, श्राद्ध का टाइम, इसलिए। और अभी तो मैं लंच बनाने के लिए आई हूँ, तो अभी सब लोग लंच करेंगे। सब लोग मतलब नैना, सोना, निर्मल, ये सब खाएंगे छोले भटूरे। तो इन सब के लिए बना रही हूँ भटूरे। तो बस, और इसके बाद जो क्लिप है वो है अगले दिन की। तो ये देखिए, ये मैंने पत्ता गोभी ली है, गाजर ली है, आधी पत्ता गोभी है, एक गाजर और एक शिमला मिर्च, उन सबको मैंने चॉप कर लिया और नमक लगा करके रखा हुआ है इसको ना। अब इसको निचोड़ूंगी। और यहाँ है चटनी की तैयारी। तो यह है इसमें टमाटर, सूखी हुई लाल मिर्च, नमक, लहसुन, ये है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मैदा गूंथ के रखा हुआ है। अरे भाई, ये देखो मैदा गूंथ के रखा हुआ है। और जी बस, अब रखी पूरी तैयारी, बनाने स्टार्ट करती हूँ। इसको निचोड़ देती हूँ और इसके बनाते हैं मोमोज गोल गोल, जैसे हमसे बनेंगे। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, और मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ रखी हुई मैंने कढ़ाई, तो पहले मोमोज भर लूँ, उसके बाद इसको भी ऑन करती हूँ। पानी गर्म होएगा तब तक, फिर बनाते हैं मोमोज और आपको दिखाते हैं भाई कैसे बने। हेलो, मैं करूँगा मामा से पूछ रहा कैसे बने। मामा कैसे बने हैं? अच्छे। मामा तो अच्छे बने। मोमोज कैसे बने? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं मोमोज, और क्योंकि इनको ना पत्ता गोभी बंद है और पनीर इन्हें पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैंने इनके लिए बनाए थे भुज्जी वाले मोमोज। तो ये है छोले की सब्जी के मोमोज। ये क्योंकि जो मैंने बनाई थी ना भरने के लिए स्टफिंग बनाई थी, वो कम पड़ गई और मैदा ज़्यादा हो गया इसलिए। और ये हैं इसमें मतलब मिक्स हैं, कुछ भुज्जी के हैं, कुछ छोले के हैं, कुछ पत्ता गोभी वाले हैं, इस तरीके से। तो इनके लिए मैंने 3 मोमोज फिर भुज्जी के बना दिए थे कि आप छोला की भुज्जी वाले मोमोज खा के देखो, और वैसे भी कुछ भी स्टफिंग करो टेस्ट तो अच्छा आता ही आता है, इसलिए। क्योंकि आपके जो फीलिंग आप कर रहे हो ना उसके अंदर, वो आपकी पसंद की होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम बना करके देखे हैं मोमोज। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी किस तरीके से बनाना है। तो इस बार तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। और यहाँ मैं सोना को बोल रही थी क्या करती है, गंदे हाथ लगा देती है खाने की चीज़ों पर, क्योंकि उससे पहले ना वो खा रही थी लॉलीपॉप, तो उसने वही वाले स्टिक ना मोमोज के अंदर डाल दी। फिर मैंने बोला कि क्या कर रही है, तो इस बात पर उसने मोमोज रख दिया कि मैं नहीं खा रही हूँ गुस्से में। तो ये देखो, देखने में लग रहे हैं ना एकदम यम्मी से, तो अच्छे बने थे वैसे मोमोज ना। बाल कटा ले? क्यों नहीं कटा? मैं आगे से नहीं कटाऊंगी। नमस्ते।